हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछला वीडियो जो आपने देखा था उसमें आपने देखा था कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी जुड़ी हुई है, और अगले केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी जुड़ी हुई नहीं है, तो अब हम प्लेट्स के बीच में सेपरेशन चेंज करते हैं। तो किस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब में चेंज होता है, ये सारी हमने चर्चा की थी। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उससे एक बार बैटरी को जोड़ते हैं, एक बार बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और तब प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करते हैं, तो उससे किस हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, इन सब पर क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस, व्हेन बैटरी इज प्रेजेंट, बैटरी इज प्रेजेंट एंड ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज पुट, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट किया है जब बैटरी प्रेजेंट है। तो यहां पर हमने मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हुआ है, बैटरी को हमने यहां पर जोड़ रखा है, ये वी वोल्ट की बैटरी है। अब प्लेट्स के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन उतना ही है। पहले वाले वीडियो में जो आपने देखा है उसमें क्या हो रहा था, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन चेंज हो रहा था, यहां पर सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा। सेपरेशन मान लीजिए कितना है, डी, अब उतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लेट का एरिया है। चेंज क्या है, यहां पर हम डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर पुट कर रहे हैं, इस तरह से आप एक डाइलेक्ट्रिक ला रहे हैं और वो इनकी प्लेट के बीच में आप पुट कर रहे हैं। ये मान लीजिए आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले रखी है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मान लीजिए के, आप इसको नीचे इसमें ला रहे, तो देखिए ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव। अब जैसे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप अंदर लाते हैं, तो आपने पढ़ाया है कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो जो डाइलेक्ट्रिक है उसके मॉलिक्यूल्स की जो शेप है डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर फॉर्म में आ जाते हैं। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं तो भी कैसे हो जाते हैं, वो पोलर, और पोलर अगर हैं तो उनमें जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है। तो इससे क्या होगा कि ये जो साइड है ये नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे प्लेट अंदर की तरफ जाएगी, जैसे जैसे प्लेट अंदर की तरफ जाएगी तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो इफेक्ट हम क्या देखते हैं यहां पर कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को इधर खींचता है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को इधर खींचता है, तो जिसकी वजह से इस पर अंदर की तरफ एक पुल एक्ट होगा, यानी कि फोर्स लगेगा। अब अगर हम ये चाहें कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये विदाउट एक्सेलरेशन अंदर आए, तो हमें इस पर जितना फोर्स ये अंदर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल, जिससे कि एक्सेलरेशन कितना हो जाए, जीरो। तो यानी कि अगर आपको इस प्लेट के एक्सेलरेशन को रोकना है तो आपको जितना ये अंदर की तरफ फोर्स आएगा उतना ही एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, समझ में आया। अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसी में यही होगा, हम इस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से बैटरी कनेक्टेड है तो कितना फोर्स लगेगा, और जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है और तब हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा जिससे कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर थोड़ी सी अंदर आएगी तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो ये पॉजिटिव्स नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव्स पॉजिटिव को खींचेगा, जिसकी वजह से अंदर एक फोर्स एक्ट होगा। हमें अगर इसको विदाउट एक्सेलरेशन अंदर लाना है तो जितना फोर्स अंदर लग रहा है उतना फोर्स बाहर लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। तो ये फोर्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे अगले वीडियो के अंदर। हमें जो इसमें चेंजेस देखने हैं कि भाई जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर आ रही है तो इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या चेंज होगा, इस तरह की चर्चा कर रहे हैं।
तो यहां पर हम सबसे पहले मान रहे हैं कि बिफोर इंसर्जन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बिफोर इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लेट कैपेसिटेंस, हम मान रहे हैं इसका कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी नॉट, जिसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, क्योंकि हमने बीच का डिस्टेंस इतना माना है डी, बहुत बढ़िया चीज, कैपेसिटेंस इतना है। कब? जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट नहीं किया, बहुत बढ़िया चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां पर अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज कितना है? चार्ज है मान लीजिए क्यू नॉट, चार्ज कितना है क्यू नॉट, तो ये सिग्मा को अगर हम लिखेंगे तो ये क्यू नॉट बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इतना हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना है? वी। पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है वही इन प्लेट्स के बीच में होगा। बैटरी कितने वोल्ट की है? वी की, ठीक है। वी इज इक्वल टू आप इसको वी नॉट मान लीजिए। तो हमने देखा कि भाई जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स के अंदर नहीं है तो यहां प्लेट पर जो चार्ज आया वो क्यू नॉट था, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी इक्वल टू वी नॉट हमने मान लिया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा की वैल्यू आएगी क्यू नॉट अपॉन ए इनटू एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम चर्चा करें, पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ क्यू नॉट इंटू वी नॉट, हाफ क्यू नॉट इंटू वी नॉट। तो ये जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने पुट नहीं किया उससे पहले, अब आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, अब जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर देते हैं उसके बाद सबसे पहले हम कैपेसिटेंस की चर्चा करते हैं। तो कैपेसिटेंस कितनी होगी? याद करिए, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम पुट करते हैं तो कैपेसिटेंस हो जाती है के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। अरे याद है नहीं है भाई साहब, प्रूव किया हुआ है ये पिछले वीडियोस में, देखिए जहां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर रखी जाती है तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती है के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। इसको हम लिख सकते हैं के इंटू सी नॉट, यानी के टाइम्स इंक्रीज हो गई, के टाइम्स इंक्रीज हो गई। अच्छा जी, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम चर्चा करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी नॉट, नॉट चेंज, नॉट चेंज। क्यों? पिछले वीडियो में आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने इसको V नॉट लिया है तो इसको जीरो मानूंगा तो ये V नॉट रहेगा, तो ये प्लेट हमेशा V नॉट पर रहेगी, ये जीरो वोल्ट पर रहेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? V नॉट। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है बैटरी के, इनके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स है वो इनसे जुड़ी हुई है, तो जो पोटेंशियल इसका है वही इसका रहेगा, जो इसका है वही इसका रहेगा, तो इसका V नॉट है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो प्लेट्स के बीच में भी कितना रहेगा? V नॉट। क्लियर हो गया बात? क्लियर बात हो गई? तो नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस आएंगे भाई बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड E, अब E इज इक्वल टू होगा V नॉट अपॉन D, V नॉट अपॉन D। क्लियर होगी बात? अरे बात क्लियर होगी क्या? तो यानी कि V नॉट अपॉन D, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिया है कहां लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ये है, यानी कि इसको हमने क्या मान लिया है? इसको आप E नॉट मान लीजिए। कितना मान लीजिए इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को E नॉट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो वैसे तो क्या होगा? V नॉट अपॉन D। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो E नॉट की वैल्यू यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V नॉट अपॉन डी। तो वैसे अगर आप देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देखेंगे नो चेंज, नो चेंज। क्लियर होगी बात? क्योंकि ई की जो वैल्यू आएगी वी नॉट अपॉन डी, हमें पता है कि वी नॉट में कोई चेंज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करें, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भाई साहब ई की वैल्यू जो आएगी, E की वैल्यू कितना है? ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा जो आएगा, यानी कि आप इसको ध्यान से समझें, मैं यहां पर ये बना रहा हूं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें ये डाइलेक्ट्रिक,
इसमें ये डाइलेक्ट्रिक, ये प्लेट पॉजिटिव, तो यहां पर इंड्यूस चार्ज ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये इंड्यूस चार्ज नेगेटिव। क्लियर? हमें यहां पर बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है, बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है। अब ज्यादातर बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि जी जब डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। अरे आप लोग यही तो पढ़ते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, लेकिन यहां पर बैटरी जुड़ी हुई है, यहां पर क्या है, बैटरी जुड़ी हुई है। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए। अब मुझे मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है इस जगह पर, तो इस जगह पर जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा वो वास्तव में इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो वो इधर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इधर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लो कितना है E1, कितना है E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से मान लो कितना है E2। तो यहां पर मैं अगर इस पूरे उसको देखूं कि भाई इस पूरे चार्ज की वजह से कितना आएगा, तो पहले आपको ये पूरा चार्ज निकालना पड़ेगा। तो ये जो पूरा चार्ज आया, पूरा चार्ज आया, ये चार्ज कितना आया पहले तो आप ये देखिए, ठीक है? क्योंकि जैसे हम ये 20 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो प्लेट पर चार्ज फाइंड करिए, तो यहां पर मैं बात करता हूं चार्ज की, चार्ज भी चेक कर लो, चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चार्ज यानी कि ये क्यू बराबर ये होता है CV, तो सी तो कितना हो गया तुम्हारा के टाइम्स, और वी तुम्हारा क्या उतना ही रहना है, तो यानी कि के इंटू क्यू नॉट। तो चार्ज जो है वो कितना है, क्यू टाइम्स इंक्रीज हो गया। हम चार्ज की चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले, तब हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को कंफ्यूजन ये रहेगा कि डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया, आपने तो ये पढ़ाया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक पुट करने से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है। तो पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाना चाहिए, ई नॉट बाई के। बट अगर बैटरी जुड़ी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वी नॉट वाई डी होता है। अरे वी वाई डी होगा तो वी की वैल्यू कितनी है, वी नॉट, पोटेंशियल में तो कोई चेंज नहीं हुआ, डी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं होगा। बट हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्यों चेंज नहीं होगा। तो अब आप ये देखिए कि यहां पर टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालो, तो मान लो इस चार्ज की वजह से कितनी है सिग्मा, तो इसकी वजह से कितनी है सिग्मा इंड्यूस्ड, तो ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव। तो टोटल सरफेस चार्ज यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लू दोनों का, अगर मैं रिजल्टेंट देखू भाई, यहां पर रिजल्टेंट बताओ, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा सिग्मा नेट अपॉन एप्सिलॉन। अब नेट क्या है कि इसका इसका दोनों का जो चार्ज है उसका रिजल्टेंट चार्ज कितना हुआ। नहीं यही बात समझ में भाई साहब, इस प्लेट का दोनों का नेट चार्ज ले लो। देखो ये जो गैप आप देख रहे हैं ये वास्तव में गैप नहीं होता, मैंने आपको कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड पैरल प्लेट कैपेसिटर में समझाया हुआ है कि पैरल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों को आप क्या करेंगे, नेट चार्ज निकालेंगे, तो दोनों को आप ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करने से नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास आ जाएगी। और फिर यहां पर जब इंटेंसिटी आप लिखेंगे तो ई नेट जब आप लिखेंगे तो जैसे दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा क्या है, सिग्मा नेट। तो सिग्मा नेट की पहले वैल्यू पुट करो, तो सिग्मा नेट पहले तो इसका सिग्मा लिखो, तो इस पर चार्ज कितना है के इंटू क्यू। नहीं आ रही बात समझ में, अरे कितना चार्ज है के इंटू क्यू, तो ये तो आ गया के इंटू क्यू। क्लियर, बहुत बढ़िया जी, प्लस। अब ठीक है जी, तो यहां पर अपॉन में हम क्या कर देंगे ए, भाई सिग्मा नेट लिखना है तो इसका सिग्मा प्लस इसका सिग्मा, दोनों के सिग्मा लिखो, तो ये आएगा के क्यू बाई ए। क्योंकि हमने अभी यहां देखा कि जब बैटरी जुड़ी हुई होती है तो इस प्लेट पर जो चार्ज होता है वो पहले से 3 गुना बढ़ जाता है, अरे सॉरी 3 गुना नहीं, के टाइम्स बढ़ जाता है, तो के क्यू नॉट हो गया ना, तो यहां पर क्यू नॉट ले, तो के क्यू नॉट बाई ए प्लस, और क्या होगा अब इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला आपको ये पढ़ाया हुआ है मैंने कि सिग्मा इंड्यूस्ड या क्यू इंड्यूस्ड लिखते हैं हम, मान लो क्यू इंड्यूस्ड लिखेंगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू बाई के होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब सिग्मा इंड्यूस्ड लिखेंगे तो सिग्मा इंड्यूस्ड के लिए इसको ए से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा इंड्यूस्ड, तो यानी कि 1 अपॉन ए इंटू, या ए को तो नीचे लिख लेंगे, तो ये क्या बनेगा यहां पर, ये बनेगा माइनस क्यू।
तो माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ? माइनस क्यू का मतलब ये क्यू कौन सा होता है? इस पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है, लेकिन इस पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज कितना है? के क्यू। तो ये आएगा माइनस का के क्यू प्लस के क्यू बाई के। अब क्यू की जगह क्या है यहां पर? क्यू नॉट। ठीक है, तो ये क्या आया तुम्हारा? सिग्मा इंड्यूस डिवाइडेड बाई ए। तो यानी कि ये जो आएगा ये तुम्हारा क्या आया? ये आया सिग्मा नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई साहब, अगर आप यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो वास्तव में पॉजिटिव चार्ज भी आया है, नेगेटिव चार्ज भी आया है, दोनों चार्जेस की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लो। तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लिख लीजिए कितनी है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा नेट अपॉन एप्सिलॉन। तो नेट जो आएगा तो आप इसका देखिए कितना है सिग्मा, इसका देखिए तो इस पर सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? इस पर टोटल चार्ज तो के क्यू नॉट अपॉन ए। इसका सिग्मा कितना आएगा? तो क्यू इंड्यूस्ड बाई ए। तो क्यू इंड्यूस्ड चार्ज कितना आता है? तो माइनस क्यू प्लस क्यू बाई के, ये फॉर्मूला है। तो माइनस क्यू, क्यू की जगह कितना है? इसका चार्ज तो कितना है? के क्यू नॉट। तो ये कितना बनेगा यहां पर? माइनस का के क्यू नॉट प्लस क्यू, तो के क्यू नॉट बाई के, ये के से के गया। अच्छा जी, इस ए को मैं चाहूं तो यहां से हटा के दोनों के नीचे तो मैं यहां लिख सकता हूं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का के क्यू नॉट प्लस का के क्यू नॉट ये कैंसिल हो गया। तो यहां से कितना आया ये? अच्छा, के से ये के गया, तो ये क्या आया? क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। बट ये है कितना? ये है तुम्हारा ई नेट। क्या है ये? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कितना है? क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। बट भाई साहब, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए तो पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना? ई नॉट। मैं चाहूं तो इसको यहां लिख सकता हूं ऐसे, ई नॉट। बट ये तो तुम्हारा ई नॉट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ई नॉट हो गया। तो यानी कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा E इज इक्वल टू E नॉट, यानी कि नॉट चेंज, नॉट चेंज। तो चाहे आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए V नॉट अपॉन D, जो कि पहले के बराबर है V नॉट अपॉन D, ऐसे नहीं देखते हैं आप, समझते हैं कि जी हमें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन पता है कि पैरेलल प्लेट के पिस्टन की प्लेट्स के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, यानी कि पहले कितना है? क्यू नॉट अपॉन ए इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब बताइए, तो अब निकाल लो उससे कौन से मतलब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, यहां आप निकालेंगे। तो अब यहां हमें पता है कि यहां पर पॉजिटिव, लेकिन इंडक्शन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दोनों का कितना सिग्मा आया, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की कितनी है? इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों को जोड़ दो तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। नहीं आई बात समझ? क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव, तो दोनों को हमने यहां पर जोड़ दिया तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें मिली। तो उससे हमें पता चला कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी उतना ही है। बहुत बढ़िया जी, तो हमने देखा यहां पर कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गई, चार्ज के टाइम्स बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी? अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करें तो पोटेंशियल एनर्जी तो U इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी हाफ क्यू नॉट, हाफ क्यू इंटू वी। बट तुम्हें पता है क्यू तो कितना हो गया? के क्यू नॉट इंटू वी, तो वी नॉट बाई टू। तो यानी कि यहां से हमें पता चल रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी है के इंटू यू नॉट। अरे के को तो बाहर ले लो, तो वन बाई टू क्यू नॉट इंटू वी नॉट, ये क्या है? ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए कहां लिखी है मैंने पोटेंशियल एनर्जी, ये हाफ क्यू नॉट इंटू वी नॉट, तो हाफ क्यू नॉट इंटू वी नॉट दिस इज यू नॉट, इसको यू नॉट लिख लीजिए, तो के इंटू यू नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो के टाइम्स इंक्रीज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज हो गई। बहुत बढ़िया जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हुआ, चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हो गया, क्लियर, और पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहा। अब अगर हम ये देखें कि भाई प्लेट पर पहले जो फोर्स लग रहा था और अब जो फोर्स लग रहा है क्या वो सेम है? पहले प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा? अगर हम इनिशियल फोर्स की बात करें जब डाइलेक्ट्रिक पुट नहीं है, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स था वो कितना था? मान लो इसके लिए सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, तो यहां पर जो फोर्स की वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है? यानी कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू इस पर चार्ज, तो वो कितना है? सिग्मा इनटू ए, तो सिग्मा स्क्वायर इनटू ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो क्या डाइलेक्ट्रिक के पुट करने से
डाइलेक्ट्रिक के पुट करने से ये फोर्स चेंज हो जाएगा। तो यानी कि फाइनल फोर्स अगर हम देखें तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ये पॉजिटिव चार्ज और इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक हमने पुट कर दिया। देखिए बीच में यहां पर मैं गैप शो कर रहा हूं जबकि वास्तव में यहां पर कोई गैप नहीं होता। ये नेगेटिव प्लेट है, यहां सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सिग्मा इंड्यूस्ड हो गया। हमें इस पर लगने वाला फोर्स बताना है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा एफ, ये एफ कितना होगा। तो यानी कि जब आप ये फोर्स निकालेंगे तो चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू ए और इंटू यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो देखो ये इंड्यूस चार्ज जो है वो यहां में इस पॉइंट, ये मान लो पॉइंट पी है, इसको मैं यहां बना रहा हूं, ये इंड्यूस चार्ज इसको इधर खींचेगा। मान लो इसने इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस की E1, नहीं यही बात है। अरे जहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं एक कूलम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो यहां पर तुमने एक कूलम पॉजिटिव चार्ज रखा, इसे एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस चार्ज क्या करेगा? घट रहा है। बट ये इंड्यूस चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल। ये मान लो E2 है, मैं इन ऊपर लगा रहा हूं, यानी कि ये इंड्यूस चार्जेस की वजह से। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, और ये वाली जो प्लेट है ये इसको इधर रिपेल करेगी। ये मान लो हमने लिया है EA या E1 लिख लो इसको, यानी इस वाली प्लेट ने यहां पर जो फील्ड प्रोड्यूस किया E1, किधर? इधर की तरफ। अब आपको पता है कि यहां जो फील्ड आएगा भाई साहब, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन 1। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसकी जो वैल्यू आएगी सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन 1। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आएगा, जितना यहां सिग्मा इंड्यूस्ड नेगेटिव है तो यहां पर सिग्मा इंड्यूस्ड क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। तो सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन 1। तो भाई साहब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्लेट पर इस इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट जीरो होगा। ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं, इंड्यूस चार्जेस की वजह से इस प्लेट पर नेट फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। नहीं आ रही बात समझ में? अरे बात क्लियर हो गई? नहीं हुई? क्लियर हो गई। इनकी वजह से यानी इंड्यूस चार्जेस की वजह से यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से जीरो होगा। तो केवल होगा तो किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से होगा। कितना होगा? इसकी वजह से होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को अगर हम देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? के इंटू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अरे सिग्मा की वैल्यू टोटल चार्ज अपॉन एरिया। यहां पर अगर हम देखेंगे टोटल चार्ज सिग्मा निकालेंगे तो टोटल चार्ज कितना है? के इंटू क्यू, क्योंकि बैटरी जुड़ी हुई है। अभी हमने डिस्कस किया है कि जब बैटरी जुड़ी हुई होती है तो प्लेट पर चार्ज के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। कितने टाइम्स? के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो अब इस प्लेट की वजह से अगर हम देखें कि यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन यानी कि के क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के इंटू क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फाइनल फोर्स कितना होगा? तो हमें पता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको कैंसिल कर दिया तो E1 रह गया। क्या रह गया यहां? E1। क्लियर? ठीक, अब यहां वैल्यू पुट कर दो भाई। तो लिखिए, देखिए कितना फाइनल फोर्स आएगा सिग्मा, तो के क्यू नॉट, क्योंकि चार्ज तो के टाइम्स बढ़ गया, अपॉन एरिया और इंटू एरिया इंटू। अच्छा जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? के क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ए ने ए को मार दिया तो जो फाइनल फोर्स आएगा दैट इज के इंटू के, के स्क्वायर इंटू, क्या रह गया यहां पर? यहां रह गया के स्क्वायर इंटू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। क्लियर हो गई बात? और हम देखिए इसको यहां लिखें तो इनिशियली तो चार्ज क्यू था ना, तो ये क्या बनेगा? क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए ऊपर का ए कट जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये इनिशियल फोर्स था, तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, समझे? इसमें ये 2 का क्या चक्कर पड़ रहा है? कैलकुलेशन एक बार चेक करो। इनिशियल फोर्स हमने निकाला तो इतना आ गया,
देखिए फोर्स आएगा तो सिग्मा इंटू ए इंटू एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन में यहां पर हम इस प्लेट की वजह से ले रहे हैं ना, तो ये टू आएगा, यहां मिस्टेक है ठीक है, तो यहां पर ये टू आएगा क्योंकि एक प्लेट की वजह से लिया जा रहा है ना, दूसरी प्लेट की वजह से थोड़ी है, तो ये एक प्लेट की वजह से सिग्मा ये आएगा, तो यहां पर टू। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू नॉट है तो क्यू नॉट स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये तो एफ आई है, तो यानी कि जो फाइनल फोर्स लगेगा दैट इज के स्क्वायर इंटू इनिशियल फोर्स, के स्क्वायर इंटू इनिशियल फोर्स, यानी कि ये फोर्स कौन सा, ये वाला नहीं है, अरे ये वाला फोर्स नहीं है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर लगा रहा है, ये कौन सा फोर्स है, ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट को कितने फोर्स से खींच रही है, ये वो वाला फोर्स है, कहीं ये कंफ्यूज हो जाए कि ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइलेक्ट्रिक स्लैब को खींच रहा है। मैंने आपको बताया इसका वीडियो अलग बनाऊंगा कि ये फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम देख रहे थे कि जब डाइलेक्ट्रिक हमने पुट नहीं किया, डाइलेक्ट्रिक हमने पुट नहीं किया तो उस टाइम दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना था, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक पूरी तरीके से बढ़ जाएगा तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो फोर्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी अब यहां पर एक चीज देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज हुआ, हमने देखा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी कितनी है, तो उसका चेंज और यहां पर देखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन, या पहले देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू आई, यू आई कितना आएगा, हाफ क्यू नॉट इंटू वी नॉट, यू फाइनल हाफ क्यू इंटू वी, तो क्यू कितना हो गया, के क्यू नॉट इंटू वी किया तो वही वी नॉट बाई टू, यानी कि के यू पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज हुई, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, डी यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो डी यू की जो वैल्यू आएगी दैट इज के माइनस वन इंटू यू नॉट यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब बात आती है कि एनर्जी आई कहां से, ये एनर्जी आई कहां से, अगर हम इसकी चर्चा करें, क्या ये एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो क्या ये एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की है, क्या ये एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की है, तो इस पर हम विचार कर लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि पहले चार्ज कितना था कैपेसिटर पर, जब ये कैपेसिटर इस तरीके से जुड़ा हुआ है एक बैटरी से, वी वोल्ट की बैटरी से, तो शुरू में कितना चार्ज था, क्यू नॉट। अब लेकिन जब ये इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से आ गया तो अब चार्ज कितना हो गया, के इंटू क्यू नॉट, तो चेंज इन चार्ज कितना आया, डी क्यू, तो के माइनस वन इंटू क्यू नॉट, इतना चार्ज चेंज हो गया, यानी कि चार्ज बढ़ा घटा, चार्ज बढ़ा है, तो यानी कि इधर से चार्ज कितना, के माइनस वन इंटू क्यू नॉट, ये चार्ज इधर से इधर की तरफ ट्रांसफर कर गया। भाई साहब पहले कितना चार्ज था, क्यू नॉट, जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो अब इस पर कितना हो गया, के इंटू क्यू नॉट, तो कितना इंक्रीज हुआ, के माइनस वन इंटू क्यू नॉट, यानी कि बैटरी ने इधर से चार्ज को इधर सप्लाई किया, कितना, के माइनस वन इंटू क्यू नॉट, तो बैटरी ने कितना वर्क किया, वर्डन बाई बैटरी, अगर हम देखें वर्डन बाई बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया, तो दैट इज इक्वल टू चार्ज कितना सप्लाई किया बैटरी ने इधर से इधर, के माइनस वन इंटू क्यू नॉट और इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने मान लिया कि ये जीरो वोल्ट है तो ये वी, तो वी माइनस जीरो, तो यानी कि के माइनस वन इंटू क्यू नॉट इंटू वी नॉट, वी बराबर क्या मान सकते हैं हम, वी नॉट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल तो सेम ही है। अब अगर मैं टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वन बाई टू क्यू नॉट वी नॉट क्या है, वन बाई टू क्यू नॉट वी नॉट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इसको लिख सकते हैं टू के माइनस वन इंटू यू इनिशियल, यानी इतना वर्क किया, इतना वर्क किया। अब यहां पर एक चीज आती है कि बैटरी ने तो जो एनर्जी सब, देखो बैटरी ने इतना वर्क किया, ये पॉजिटिव वर्क है, नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव वर्क है। आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव वर्क होता है इसका मतलब क्या है कि हमने एनर्जी खर्च की, और नेगेटिव वर्क होता तो मतलब हमने एनर्जी ली, तो बैटरी ने जो एनर्जी खर्च की
इस प्लेट पर चार्ज k टाइम्स इंक्रीज करने में वो कितनी की 2k-1 into U। बट वास्तव में बैटरी के सॉरी कैपेसिटर के अंदर इंक्रीज कितनी हुई है k-1 U0 और बैटरी ने खर्च कितनी की है 2k-1 U0। दुगनी खर्च किए भाई साहब, तो बाकी की कहां गई? बाकी की कहां गई विचार करिए, एक मिनट सोचिए, स्क्रीन पॉज कर लो और सोच लीजिए कि एनर्जी कहां जाएगी। सोच लिया? देखो हम यहां पर देख रहे हैं कि बैटरी जो है वो तो कितनी खर्च कर रही है एनर्जी 2k-1 U0, बट कैपेसिटर में कितनी स्टोर हुई, मतलब एक्स्ट्रा जो आई इंक्रीज जो हुई k-1 U0। तो कितना मतलब एनर्जी का डिफरेंस आप देख रहे हैं। तो डिफरेंस इन एनर्जी ये जो आएगा दिस इज k-1 into U। क्या ये एनर्जी हीट में वेस्ट होगी? सोचिए, आप सोचेंगे जी बैटरी ने इतना वर्क किया और इसकी आधी एनर्जी इसमें चली जाएगी क्योंकि उसने एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। कितनी इंक्रीज हुई है? k-1 into U0, आधी हीट में गई। ऐसा सोचना गलत है, हीट में नहीं जाएगी। देखिए इस पर अट्रैक्शन लगेगा नहीं लगेगा स्लैब पर, ये नेगेटिव जो चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज, ये सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है, ये इंड्यूस चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये स्लैब अंदर की तरफ चलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो अंदर की तरफ होगा। इस स्लैब के अंदर डिस्प्लेसमेंट किधर है? अंदर की तरफ। बट भाई साहब एक्सटर्नल सोर्स फोर्स किधर लगा रहा है? बाहर की तरफ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसा आएगा? नेगेटिव। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसा आएगा? नेगेटिव। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि फोर्स ऊपर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क आएगा। भाई साहब कॉमन सेंस यूज करिए, क्योंकि हमें पता है कि विदाउट एक्सलेशन अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर जाएगी तो एक्सटर्नल एजेंट को बाहर को ही फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर की तरफ ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से स्लैब के अंदर डिस्प्लेसमेंट इधर जाएगा और फोर्स ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि एक्सलेशन जीरो करना है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, तो थीटा हो गया यहां पर 180 डिग्री, ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो थीटा कितना आएगा यहां पर 180 डिग्री। तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है? एनर्जी लेना ना कि एनर्जी देना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्सटर्नल एजेंट है वो एनर्जी ले रहा है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लो कि आपने इस स्लैब को एक स्प्रिंग से, मान लीजिए कि आपने एक स्प्रिंग लगा दी यहां पर, तो आप क्या देखेंगे कि शुरू में जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये स्लैब अंदर की तरफ आएगी तो स्प्रिंग खिंचेगी तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्या वो आपने दी? नहीं, वो कहां से गई? इस वाले फोर्स की वजह से। तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई, तो वो कहां से आई? वो यही एनर्जी होगी, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहां एक्सटर्नल एजेंट कौन है? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव आएगा, इसका मतलब स्प्रिंग एनर्जी लेगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर हम देखें तो वो कितना आएगा? तो दिस इज इक्वल टू k-1 into U। हम ऐसा मानते हैं कि हीट में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, हीट में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। तो जो बैटरी ने जो वर्क किया, बैटरी ने इतनी एनर्जी खर्च की, तो उसकी आधी एनर्जी तो किसमें चली गई? कंडेंसर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और आधी एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क करने में खर्च हो गई, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट ने आधी एनर्जी को ले लिया, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन कैसा है? नेगेटिव। भाई साहब हर बात पर विचार करना पड़ेगा, एनर्जी का हिसाब होता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है, ऐसे नहीं है कि एनर्जी वेस्ट हो गई जी। यहां पर हम इस केस में कोई भी हीट वगैरह का कंसेप्ट नहीं ले रहे हैं कि जी हीट में चली गई, यहां कोई हीट का कंसेप्ट नहीं है ऐसा माना गया है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग खिंचेगी, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो कहां से आएगी?
वो बैटरी से जाएगी क्योंकि बैटरी ने इतना वर्क किया, तो आधा जो वर्क एनर्जी है बैटरी के यहां स्टोर हो गई, जिससे कि उसने इतनी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया और बाकी की एनर्जी हम कहेंगे स्प्रिंग के अंदर आ गई। तो क्वेश्चन बनाने को हम ऐसे ही बना सकते हैं, कैसे भी टफ क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन में काउंट हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितनी एनर्जी आएगी, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करिए। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, इसमें से ये माइनस कर दो, बची हुई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाएगी। क्लियर होगी बात। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर मान लो इसका डायग्राम, इसका जो वो है स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए 100 है, कितना है 100 स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, बताइए स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आएगा। तो आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है यहां पर ये के अलग है, ये के अलग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो के डैश है इसको, क्लियर। तो के डैश की वैल्यू दे दी जाएगी, के दे दिया जाएगा, नीचे पोटेंशियल, तो आप ये बता सकते हैं स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आएगा। तो कैसे भी क्वेश्चन बना लो टफ क्वेश्चन बन जाते हैं ये, इसमें टफ क्या है, कुछ भी नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसमें एक बात है, यहां तो क्या हो रहा है कि ये बैटरी जुड़ी हुई है और ये इसमें डाइलेक्ट्रिक अंदर आ रहा है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन हो रहा है, क्लियर। अगर मान लीजिए बैटरी लगी हुई है और डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से पहले से भरा हुआ है, यानी कि ऐसे ऐसा कंसिडर कर लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक इसमें ये भरा हुआ है यहां पर और बैटरी हमने जोड़ रखी है, अब हम इस डाइलेक्ट्रिक को बाहर खींच रहे हैं, तो ये जितने भी आप रिजल्ट्स यहां देख रहे हैं क्या वो सेम रहेंगे। अब यहां पर इनिशियल केस कौन सा होगा कि जब डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, फाइनल केस क्या होगा जब डाइलेक्ट्रिक आउट है, बाहर निकला हुआ है, रिजल्ट्स वैसे उल्टे हो जाएंगे, करके देख लेना सारे बना लो, उल्टे हो जाएंगे रिजल्ट्स, रिवर्स हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आए आपको एनर्जी का हिसाब लगाना आना चाहिए कि बैटरी ने कितनी एनर्जी खर्च की, बैटरी ने वर्क पॉजिटिव किया है नेगेटिव किया है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी बढ़ी है घटी है, आपको पूरा मैथमेटिक्स आना चाहिए, एनर्जी का हिसाब रखना, जैसे पैसों का हिसाब रखते हैं ना, आप मार्केट जाते हैं आपके जेब में 1000 रुपीज है तो आप ये देखते हैं कि इस दुकान पर कितना कितना खर्च किया है, सारा जोड़ लेते हैं, उसी तरीके से आपको एनर्जी का हिसाब रखना है। हम यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि हीट में कोई एनर्जी का लॉस नहीं माना जाता। अगला हम इसमें ले रहे हैं सेकंड केस, बैटरी प्रेजेंट नहीं है और तब हम डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन बैटरी इज नॉट प्रेजेंट, सेकंड केस, सेकंड केस है हमारा व्हेन बैटरी इज नॉट, सॉरी व्हेन बैटरी इज नॉट प्रेजेंट, सेकंड केस व्हेन बैटरी इज नॉट प्रेजेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पुट, हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट किया है लेकिन बैटरी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसे बनी। ये मान लीजिए इसका इनिशियली चार्ज क्यू, ये माइनस क्यू, बीच का डिस्टेंस डी, प्लेट्स का एरिया ए, अब यहां पर कोई बैटरी नहीं है और यहां पर हम ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेकर के आ रहे हैं इस तरीके से। तो यहां पर ये हमने डाइलेक्ट्रिक लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, वही पहला वाला केस, इधर को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल, जिससे क्या हो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जीरो। तो ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा इसकी चर्चा हम करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया है। तो वही सारी चर्चा, यानी बिफोर बिफोर इंसर्शन, बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्शन से पहले कैपेसिटेंस कितना है लिख लीजिए भाई, तो सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, चार्ज कितना है चार्ज इज इक्वल टू क्यू नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है
पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया वी नॉट, जो कि क्या होगा ई नॉट इंटू डी। अगर हम देखें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, जिसकी वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। इनिशियल चार्ज को हमने क्यू नॉट लिया है ना, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक पुट करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, चार्ज कितना है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट बाई ए। और क्या रह गया, चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने यू नॉट मान ली, तो ये आएगा हाफ क्यू नॉट इंटू वी नॉट। क्लियर, ये चर्चा हम कब कर रहे हैं, जब डाइलेक्ट्रिक हमने पुट नहीं किया है। अब डाइलेक्ट्रिक को हमने पुट कर दिया, यानी आफ्टर इंसर्शन, आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर पुट कर दिया है, तो अब कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आपको बताए के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, यानी कि कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी सी इज इक्वल टू, तो ये होगा के इंटू सी नॉट, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, के टाइम्स इंक्रीज हो गया। चार्ज की अगर हम चर्चा करें, चार्ज यानी क्यू, भाई साहब एक बात आइए कि इस बैटरी, देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा है, क्या इस प्लेट को कोई चार्ज देने वाला एक्स्ट्रा सोर्स है, नहीं है, क्या इसमें से कोई लेने वाला है, नहीं है, तो चार्ज में क्या कोई चेंज आएगा, चार्ज में चेंज नहीं होगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट, नो चेंज इन चार्ज, नो चेंज इन चार्ज, चार्ज में कोई चेंज नहीं। तो याद रखिए, जब बैटरी जुड़ी हुई होती है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता, और जब बैटरी डिसकनेक्टेड होती है तो चार्ज चेंज नहीं होता। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम चर्चा करेंगे, तो चर्चा बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे अभी हमने की थी यहां पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, तो यहां इसको देखिए ऐसे बना लो, ये हमारा कैपेसिटर, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, यहां पर चार्ज कितना है क्यू, बहुत बढ़िया जी। ये डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में ये इंड्यूस चार्ज आया, ये पॉजिटिव, तो ये है क्यू इंड्यूस्ड। क्लियर, हमें यहां पर लिखना है कि भाई यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ई नेट अगर हम लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा नेट कितना है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, अभी जैसे किया है बिल्कुल उसकी तरह करिए। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये आएगा सिग्मा नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा नेट की वैल्यू लिखिए, तो सिग्मा नेट, इस पर सिग्मा कितना है और इस पर सिग्मा कितना है, तो इस पर सिग्मा अगर लिखेंगे तो इस पर चार्ज कितना है क्यू बाई, सॉरी क्यू बाई एफ, क्यू बाई ए, ये तो इसका सिग्मा आ गया, अरे इसका सिग्मा लिखेंगे क्योंकि इस पर चार्ज क्यू है। याद करिए पहले वाले में इसमें फर्क है, पहले वाले में चार्ज बैटरी क्योंकि जुड़ी हुई थी तो कितना हो गया के क्यू हो गया था, लेकिन यहां पर तो क्यू रहेगा, तो क्यू की जगह क्यू नॉट ले लो, क्योंकि चार्ज हमने शुरू में कितना माना है क्यू नॉट, जो कि क्यू के बराबर है, प्लस ये कितना है, ये होगा माइनस क्यू प्लस क्यू बाई के, ये इतना है और बाई के, तो ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट बाई के और डिवाइडेड बाई ए, डिवाइड तो वन बाई ए ऐसे डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, या एक काम करो ए को नीचे ले जाओ तो ए इंटू एप्सिलॉन। क्लियर, तो देखो माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां से ई की जो वैल्यू आएगी के इन ये सॉरी क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और इंटू के, नहीं आ रही बात समझ, सॉरी के तो नीचे, ये के नीचे। अब यहां पर एक चीज देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू तो हमारा कितना है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट अपॉन ए, ये तो सिग्मा हो गया, तो सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था जब डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर नहीं है, देखो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई नॉट बाई के,
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाला और इससे पहला वाला, दोनों वीडियोस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जो उसमें टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन में अक्सर क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बनता है, तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर कट हो जानी चाहिए। तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो गया भाई, के टाइम्स रिड्यूस हो गया, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम चर्चा करें तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ए इंटू डी। तो अब E की वैल्यू कितनी है, ए नॉट बाई के और इंटू डी। तो पहले अगर हम मान लीजिए पोटेंशियल लिख रहे हैं, कहां लिखा है ये E नॉट इंटू डी, तो ये तो V नॉट के बराबर, तो ये हो गया V नॉट बाई के, इसका मतलब पोटेंशियल के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, के टाइम्स रिड्यूस हो गया, बहुत बढ़िया जी। पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करें हम, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ के इन क्यू इंटू डी। अब यहां से Q तो उतना ही है तुम्हारा, Q नॉट, और V की वैल्यू क्या हो गई, V नॉट बाई के बाई टू, तो टू के। अब वन बाई टू क्यू नॉट वी नॉट, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स रिड्यूस हो। तो आपको यह पता रहना चाहिए कि बैटरी जब हम हटा देते हैं, बैटरी जब हम हटा देते हैं तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स रिड्यूस होती है, पोटेंशियल के टाइम्स रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस होता है। जबकि पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं था, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं था, वहां पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज कर रही थी, वहां चार्ज के टाइम्स इंक्रीज कर रहा था, यहां पर चार्ज में कोई चेंज नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर दी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें कि भाई डी यू, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से देखिए तो फाइनल तो ये, यानी कि ये बन गया वन बाई के माइनस वन इंटू यू नॉट, यानी कि ये बन गया वन माइनस के बाई के इंटू यू नॉट, यानी इतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर दी, बहुत बढ़िया चीज। अब बात आती है कि ये पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज कर गई, ये गई कहां, ये पोटेंशियल एनर्जी कहां पर गई, सोचिए विचार करिए, करिए इस केस में विचार, ये पोटेंशियल एनर्जी कहां जाएगी, यहां तो कोई बैटरी वगैरह भी नहीं है, यहां पर कोई बैटरी नहीं है, तो आप ये देखिए कि यहां पर ये जो एनर्जी जाएगी ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किए गए वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, थीटा 180 डिग्री, तो यहां पर जो ये वर्क डन आएगा, वर्क डन कैसा आएगा एक्सटर्नल एजेंट का, नेगेटिव, और देखना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करिए ना, तो ये कहां जाएगी, ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किए गए वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं आई बात समझ में, अरे एक्स्ट्रा एजेंट का वर्क डन नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वर्क का मतलब क्या, एक्स्ट्रा एजेंट ने तो एनर्जी खर्ची नहीं की, उसने तो एनर्जी ली, तो कितनी एनर्जी ली उसने, अगर हम ये देखें कि कितनी एनर्जी ली, तो एनर्जी जो ली है उसने, ये डिक्रीज हुई है वन माइनस के वाई के इंटू यू नॉट, तो कितनी वो लेगा, तो दैट इज के माइनस वन अपॉन के इंटू यू नॉट, इतना वर्क डन होगा, इतनी एनर्जी स्टोर कर लेगा, या वन माइनस के है तो वहां क्या लिखेंगे, के माइनस वन, या नेगेटिव साइन आएगा, ये कैसा आएगा, क्योंकि के की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी आएगी, तो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डिक्रीज हुई, तो जितनी डिक्रीज हुई वो सारे एक्सटर्नल एजेंट में, यानी वही सारी कहानी जो बताइए, यहां पर मान लीजिए अगर एक स्प्रिंग जोड़ देते हैं तो स्प्रिंग के अंदर ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और आपको अगर ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दे दिया जाए तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि स्प्रिंग कितनी एलोंगेट होगी, बात क्लियर हो गई। अच्छा और देखिए इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स, क्या फोर्स अभी भी उतना ही लगेगा जितना पहले था, मान लीजिए कि पहले अगर हम फोर्स की चर्चा करें कि पहले जो फोर्स है, देखिए कितना फोर्स लगेगा, पहले पहले जो फोर्स आएगा इनिशियल फोर्स, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ये आ रहा था। अब जब ये डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो अभी मैंने बताया कि यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये इंड्यूस चार्ज की वजह से फील्ड, इसे इंड्यूस चार्ज की वजह से फील्ड, ये एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल करते, तो यहां पर जो फील्ड आएगा वो मात्र इसका आएगा, तो कितना फील्ड आएगा यहां पर, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, तो फाइनल जो फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू चार्ज, तो चार्ज तो होगा सिग्मा इनटू ए, भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा प्लेट का एरिया कितना है,
तो कितना बन गया चार सिग्मा इंटू ए और मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक, अरे क्यू इंटू ए होता है नहीं होता है F बराबर, तो Q की वैल्यू क्या है सिग्मा इंटू ए और ए कितना हो गया यहां पर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, तो ये यहां से बनेगा सिग्मा स्क्वायर इंटू ए अपॉन टू एप्सिलॉन, बट भाई साहब ये तो F है बराबर, इसका मतलब कोई फोर्स में चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन फोर्स, नो चेंज इन फोर्स, फोर्स में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिशन में मिलेंगे, आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी का हिसाब आपको रखना आना चाहिए, यहां पर बैटरी नहीं लगी है, पहले वाले किस में बैटरी थी तो वो सारी चर्चा हमने करी थी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो कहां जाएगी सारी की सारी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट जो है वो नेगेटिव वर्क करेगा तो वो इस वाली एनर्जी को खा जाएगा, ऐसे आप मान लीजिए हीट वीट में यहां कहीं कोई वेस्टेज एनर्जी की कंसीडर नहीं करते। तो देखिए इस वीडियो के अंदर जो मैंने पढ़ाया है अच्छी तरीके से जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए, वीडियो अच्छी तरीके से देखें, पुराने वीडियो को भी जरूर देखें ठीक है, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से आप इसको समझे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।